एक मित्र ने लिखा है, एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं लेटा हुआ हूं। मेरे बगल में मेरा मोबाइल फोन रखा था। मैंने टाइम देखने के लिए उसे उठाने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि मेरा हाथ उसके आर पार हो गया है। तभी कमरे में मेरी माँ आई तो मैंने उनसे टाइम पूछा, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने सुना ही नहीं। फिर मुझे प्यास लगने लगी और मैंने उनसे पानी मांगा, लेकिन वो भी उन्होंने सुना नहीं। तब मैंने उठने की कोशिश की तो देखा कि मेरा शरीर तो बैठा हुआ है। एक अजीब सी अनुभूति थी ये। मैं इसके बाद बहुत खुश और शांत अनुभव कर रहा था। क्या मैं शरीर से बाहर हो गया था या फिर कोई स्वप्न देख रहा था? कृपया मार्गदर्शन करें। ये स्वप्न भी हो सकता है और वास्तविक भी। कई बार हम शरीर से बाहर होने को अनुभव करते हैं, लेकिन उनके प्रति सजग नहीं होते। छोटे बच्चों को अक्सर ऐसे अनुभव होते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें बता पाने में सक्षम नहीं होते। अशरीरी अवस्था एक स्वप्निल सी अवस्था ही है, इसीलिए प्रायः लोगों को ये एक स्वप्न की तरह ही अनुभव में आती है। अपने स्थूल शरीर की सीमाओं से बाहर अपने होने का अनुभव तुम्हें एक नई तरह की खुशी, शांति और शक्ति देता है। ऐसे अनुभवों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस एक तटस्थ सजगता से देखो। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर शरीरी और अशरीरी जगत में डोलता रहता है, इसलिए ऐसे अनुभवों को बहुत मूल्य देने से बचना आवश्यक है। मूल्यवान है तुम्हारी सजगता, तुम्हारी चेतना, जिसके ऊपर सब अनुभव घट रहे हैं। अनुभवों के पीछे कभी मत भागो, अनुभोक्ता के प्रति जागो। तुम्हारा यह अनुभव स्वप्न की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि तुम समय देखने की कोशिश कर रहे हो। अशरीरी आयाम में समय नहीं रह जाता। समय शरीर, मन और स्थान से संबंधित घटना ही है। अशरीरी आयाम में भूख, प्यास, काम, वासना, पीड़ा इत्यादि अनुभव भी नहीं घटते। ये सारे अनुभव शरीर मन के ही हैं। हमारा होना भौतिक और अभौतिक दोनों है, शरीरी और अशरीरी दोनों हैं। यही चमत्कारिक और विस्मयकारी है। दोनों का जोड़ ही हमारा होना है। इसलिए ही अशरीरी को अनुभव करने के लिए भी शरीर का होना आवश्यक है। शरीर मन के यंत्र के बिना कुछ भी अनुभव करना संभव नहीं है। मनुष्य होने की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वो शरीर मन से प्रारंभ होता है, लेकिन उसका सारा विस्तार अशरीरी है। तुम्हारे विचार, भाव और तुम्हारा सहज बोध अशरीरी आयाम से आते हैं। शरीर से बाहर होने का अनुभव आवश्यक नहीं है कि स्थूल शरीर से अलग होकर ही हो, यह तो बहुत प्रारंभिक दशा है। विकसित दशा में तुम विदेह अनुभव करते हो, गहरे प्रेम में, गहरे ध्यान में, गहरी शांति में, गहरी समझ में और गहरे आनंद में तुम अशरीरी ही होते हो। ऐसे में तुम शरीर की सीमाओं से मुक्त होते हो, तुम विदेह होते हो। तब शरीर मन बस एक सुंदर, सुव्यवस्थित, सूक्ष्म और अति विकसित उपकरण मात्र होता है। अनुभवों के पीछे मत भागो। प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभव बहुत साधारण है, उसके घटने की संभावना सबके साथ समान होती है। अपने मन की उस चालबाजी से हमेशा सावधान रहो जो किसी अनुभव को विशेष समझना चाहती है। जगत में कुछ भी विशेष नहीं है, या फिर सभी कुछ विशेष है। विशेष समझने का दुष्चक्र आध्यात्मिक कैंसर है। ध्यान तुम्हें विशेष से अविशेष की ओर ले जाता है, और यही है शरीर से अशरीर की यात्रा। यही है शरीर से अशरीर की ओर जाना, अर्थात अपने स्रोत में लौट आना। पूरी तरह अविशेष हो जाना ही है बोध के प्रकाश में जीना। जब भी कोई व्यक्ति स्वयं को विशेष मानता है,
उस शरीर से ज्यादा आसक्त हो जाता है और शरीर से पार के जगत के प्रति बंद होने लगता है। वो काम वासना को तो जानता है लेकिन प्रेम की बस बातें करता है। काम वासना है शरीरी अनुभव और प्रेम है अशरीरी अनुभव। लेकिन जब कोई स्वयं को विशेष मानना बंद कर देता है और पूरी तरह अविशेष हो जाता है, साधारण हो जाता है, एक गहरे स्वीकार में जीता है, तो उस शरीर की सीमाओं और दबावों से मुक्त हो जाता है और वो काम वासना से भी मुक्त हो जाता है। वो तब प्रेम की बातें नहीं करता बल्कि प्रेम में ही जीता है। प्रेम ही द्वार है अशरीरी आयाम का।